सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई दर्शकों ने हमसे सवाल किए हैं कि क्या गुरुजी आने वाले समय में विश्व युद्ध होएगा तो या नहीं होएगा, तो विश्व युद्ध होएगा तो कब होएगा और उसमें किन देशों की हालत खराब होएगी। तो भाई हम जब प्रिडिक्शन करते हैं तो कुंडली के मुताबिक और सृष्टि के ऊपर जो गोचर ग्रहों की परिस्थितियाँ रहती है उसके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो चलो आज हम आपके इन सवालों का भी जवाब दे देंगे। आज हम तीसरे विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा विश्व युद्ध होना ही है तो क्यों होगा और कब होगा, ज़्यादा हानि किस देश में होगी, जिस तरह दुनिया में धर्म और अधर्म की लड़ाइयाँ अंदर और अंदर चलती रहती है। इंसान जब वाहन पर सवारी करता है तो उसे एक्सीलेटर की चानक चढ़ जाती है, फुल एक्सीलेटर देकर गाड़ी की रफ्तार तेज करता है। ठीक उसी तरह मंगल ग्रह एक्सीलेटर का ग्रह है, मंगल ग्रह जोश का ग्रह है, मंगल ग्रह आवेश का ग्रह है, मंगल ग्रह शोबाजी का ग्रह है, मंगल ग्रह युद्ध का ग्रह है, मंगल ग्रह स्फोटक पदार्थों का यानी कि जैविक रसायन का ग्रह है। जिस तरह बड़े वाहन छोटे वाहन को कुचल देता है ठीक उसी तरह का संयोग आने वाले समय में हमको दिख रहा है। मंगल का संबंध जब केतु के साथ होता है तब सृष्टि पे विस्फोटक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में हुआ था, 37 देश उनमें शामिल थे, 10 लाख लोगों उनमें मारे गए थे। 1 सितंबर 1939 में 70 देश इस जंग में जुड़े थे मगर एक्सीडेंटली ये योग टल भी गया था। उसके बाद भी 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम की शुरुआत हुई थी। करीबन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2.5 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 28 जुलाई 1914 में सिंहस्थ मंगल केतु साथ में थे। 1 सितंबर 1939 के दिन मेष राशि में शनि केतु थे और मकर राशि में मंगल था। शनि मंगल की दृष्टि योग उपरांत मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर थी। दिनांक 6 अगस्त 1945 के रोज परमाणु बम की शुरुआत हुई थी। वृषभ का मंगल और धन राशि का केतु मंगल की 8वीं दृष्टि केतु पर थी। 2.5 से 3 लाख लोग मारे जाने की उस समय पर भी आशंका जताई गई थी। ये सरकारी आंख है, हमें जो भी दिखता है वो हम कहते हैं। अब ये जो विश्व युद्ध कौन सी दिनांक पर कौन से समय पर होने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिनांक 24 दिसंबर 2020 से 22 फरवरी 2021 के बीच में उनमें भी देख लेना, 14 जनवरी 2021 से 14 फरवरी 2021 यानी कि जनवरी से फरवरी 21 के अंदर मेष राशि में वक्रीय मंगल जिनकी 8वीं दृष्टि वृश्चिक के केतु पर गिरेगी और दूसरा कर्क का मंगल का समय है 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 ये जो समय है ये केतु की दृष्टि मंगल पर गिरेगी और फिर सिंहस्थ मंगल 20 जुलाई 2021 से 5 सितंबर 2021 मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर पड़ेगी। यह समय सृष्टि के लिए अफरा तफरी का साबित होगा, विश्व युद्ध 100% होगा। अब कब होगा इसकी भी हम जानकारी दे देते हैं। जब भी चंद्र वृषभ या मिथुन राशि में हो गोचर भ्रमण करता करेगा उस समय पर
चंद्र से 11वें और 12वें स्थान के अंदर मंगल की स्थिति रहेगी, उसी समय पर विश्वयुद्ध होगा। ये हम अपने दर्शकों और एस्ट्रोलॉजरों को जानकारी के लिए ही आज हमने अपना ये प्रोग्राम किया है। तो और दूसरा क्या कि विश्वयुद्ध 100% तो होने वाला है, मगर इसमें नुकसान किन किन देशों को होएगा? तो हमारी गिनती एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को ज़्यादा होएगी। यूँ समझ लेना कि चीन और पाकिस्तान के लिए वहाँ की जनता की हालत बेमौत मरे जावे ऐसी हमको दिखाई दे रही है। भारत के सपोर्ट में कौन कौन से देश आएंगे इसकी भी आज हम अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं। जिस तरह साउथ कोरिया, जापान, रशिया, अमेरिका, ये जो बड़े देश है भारत के सपोर्ट में आएंगे, इनको समझ लेना कि सभी दिन एक से नहीं होते हैं। हमारी एक खास वार्निंग भी है और एक खास नोट हम करवाते हैं दर्शकों के सामने। पाकिस्तान की जन्म कुंडली में 3रे और 4थे स्थान का परिवर्तन योग है, वहाँ के शासकों बेमौत मरे हुए हैं। और दूसरा, इनका कोई ठिकाना नहीं है। वर्तमान समय में इमरान खान की कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी दूसरे मारक स्थान की वजह से पाकिस्तान की हालत तो जब से इमरान खान बैठे हैं तब से बदतर दिन ब दिन खराब बनती जा रही है। ऐसा हमारा खुद का पर्सनली एनालिसिस है। तो आज हमने 3रे विश्व युद्ध के बारे में अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दी। अब ये जो हमने जो समय दिया है उसी समय पर, और उसमें भी खास तौर पर चंद्र जब वृषभ राशि में और मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेगा और मंगल चंद्र से 11वें और 12वें स्थान में होएगा, उसी दिन विश्व युद्ध की शुरुआत होएगी। ऐसे पॉइंट कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कह सकता है। ये हमारी 41 ईयर्स की जो हमें इस लाइन के अंदर हो गए हैं और हमारे अभी तक के सभी आर्टिकल देश की जनता और दुनिया की जनता ने देखे हैं। तो आज हमने 3रे विश्व युद्ध के बारे में भी जानकारी दे दी। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।